ये करार से आगे देखा था अभी ये जा रहा है अभी देख लीजिए आपके सामने है। अरे नहीं सर आपके सामने है देख लीजिए ये भाई। जब चौबीस घंटे में बराबर ऐसे कम से कम चार चार पाँच अभी जाने वाला सर ये करार अभी फटने वाला अभी गिरने वाला ये दिखाओ दिखाओ ये अभी गिरने वाला है सर क्या जब अभी गिर जाएगा ये यहाँ से लेकर के सर देख लीजिए वहाँ तक ये पूरा पूरा करा है करार फटा है वहाँ से हट जाओ है गिर जाएगा अभी तुरंत करार गिरने वाला हटो हट जा भैया वहाँ से करार गिरे वाला हटा हटा देखिए सर यही हम लोग इससे से परेशान है रात में हम लोग के नींद नहीं लगती जब नदी का नाम सुनते हैं तो हम लोग ऐसे थर्राते हैं कि आज कट जाएगा कल कट जाएगा अभी कट जाएगा हम लोग का काम नहीं किया जाएगा हम लोग का कोई व्यवस्था करें रात में हमारे बच्चे सोते हैं तो हम लोग यही सोते हैं कि आज आज कट जाएगा कल कट जाएगा हम लोग अभी एकदम परेशान है बहुत लोग जागते ही रहते हैं भैंस गोरू बहुत लोग बह गए हैं घर कट के बह गया है गेहूँ हम लोग का रखा हुआ सब बह गया है सर हम लोग का यहाँ तुरंत कटान लगवाने का व्यवस्था किया जाए गन्ना है गन्ना कट गया है गन्ना भी कटा रही है बाल बच्चे कैसे सिल रहे हैं हम लोग बाल बच्चे भी हम लोग का अगर बह जाएंगे तो हम लोग बताएंगे हम लोग का यही व्यवस्था तो भी हम लोग का समस्या समाधान है कहाँ से रहे मनाइए ठंडी में मरे कड़ा बिछौना हेरे तापत नहीं हेरे का करे घर न दुआ। हम इसमें मौजूद है रामपुर पुआरी के मांझा मदरैया में जहाँ पर यहाँ के जो निषाद समाज के लोग जो रहते हैं निवास यहाँ पर करते हैं और काफ़ी जो है यहाँ पर बाढ़ नदी की जो है कटान से काफ़ी जो है प्रभावित है और यहाँ पर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाएं कि यहाँ पर देखें नदी की किस तरीके से कटान हो रही है और लगभग लोगों के यहाँ की खेती और किसानी यहाँ पर जो करते हैं खेती किसानी से उनकी काफ़ी ज़मीनें जो है इस नदी की सरयू की नदी में कट करके जो है बह गई हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ जो है यहाँ पर जो यहाँ के निवासी हैं वो लोग हैं और काफ़ी समस्याओं मतलब परेशान है समस्या इनकी बहुत बड़ी है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे रहते और यहाँ नदी से कुछ ही दूरी पर जो है इनका आवास भी बना और काफ़ी मकान यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास और जो है लोहिया आवास जो दिए गए थे जो इस नदी की कटान के अंदर बह गए हैं। आइए हम बात करेंगे यहाँ के जो प्रधान हैं प्रधान से बात करेंगे किस तरीके की समस्या है और वो क्या जो है सरकार से मांग जो है करते हैं। भाई साहब स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम नेशन में क्या नाम है आपका? हमारा नाम रमेश कुमार निषाद है। तो रमेश जी ये बताइए ये मांझा मदरैया में किस तरह की समस्या है और क्या मांग आप जो है कर रहे हैं? हमारे यहाँ समस्या यही है कि जो कटान कट रही है बाढ़ पानी द्वारा यहाँ कोई व्यवस्था नहीं कर रही सरकार। अगर व्यवस्था कर रही है तो अच्छी बात है। हमारे यहाँ समस्या यही बनी है कि यहाँ बोल्डर या रैंप बनवा के ये सरकार इसकी व्यवस्था करे। कितने दिन से कटान हो रही है और जो है इसकी इसके बारे में आपने किसी को लिखित में अवगत कराया या नहीं करवाया और अगर करवाया तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? ये 3 साल से कटान है। माननीय मंत्री डॉक्टर साहब को हमने अवगत कराया था। वो डीएम साहब से बोले थे, डीएम साहब सिंचाई विभाग को बोले थे, सिंचाई विभाग आके देखा लेकिन यहाँ कोई कार्य नहीं कराया। तो यहाँ पर देखिए प्रधान जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो अधिकारी आते हैं मंत्रियों के यहाँ पर समस्या को अवगत कराया, अवगत कराने के बाद उन्होंने यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया लेकिन यहाँ पर जो अधिकारी आए वो केवल पर्चे तक ही केवल लिखा पढ़ी तक ही केवल सीमित रखा, यहाँ पर कार्य नहीं हुआ। आइए कुछ लोग और भी हैं उनसे हम बात जो है करेंगे। जी भाई साहब क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम पप्पू निषाद है। क्या समस्या है क्या मांग कर? सर हमारे घाघरा नदी से हम लोग कटान से बहुत परेशान हैं। अगर जल्द से जल्द यहाँ कटान रोकवाने का कोई प्रबंध नहीं किया जा रहा है तो सर महीने डेढ़ महीने में हम लोग का घर यहाँ एक नहीं बचेगा और हम लोग का यहाँ जितने घर हैं यहाँ कोई और दूसरे जगह ज़मीन नहीं है कि हम लोग कहीं और दूसरे जगह घर मकान अपना बना सकें। इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि इस कटान को रोकवाने के लिए बहुत जल्द से जल्द कष्ट कृपा करें। कितने दिनों से कटान हो रही है और लगभग कितनी जमीनें जो है सरयू की नदी में जो है कट करके चली गई है? सर ये लगभग 3 साल से कटान चल रही है और हम लोग की ज़मीन लगभग 1200 बीघे से ज़्यादा कटान से सरयू नदी में कट के बह गई है और बहुत ज़्यादा गन्ना भी कट रहा है।
धान की भी खेती करके सब बह गई, नष्ट हो गई। और हम लोग का जो है कोई भी कार्य सुरक्षित सरकार नहीं कर रही है। मत्स्य मंत्री हैं डॉक्टर संजय निषाद जी, उनको आपने अवगत कराया इसके बारे में? जी सर, हमने अपने डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी से अवगत कराया था और उन्होंने कह रहे हैं जी हो जाएगा। आज यही लगातार हम लोग से यही 6-7 महीने से कहते चले आ रहे हैं, लेकिन कोई हमारा कार्य नहीं हो रहा है। आइए कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम बात जो है करेंगे कि किस तरीके की समस्या है और वो क्या जो है मांग जो है कर रहे हैं। यहाँ पे बाढ़ की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की होती थी। जब इस बार बाढ़ आई जो है तो यहाँ जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। बाढ़ के बारे में तो मुख्यमंत्री राहत कोष से भी काफी जो है राहत बचाव कार्य के लिए और भी चीजें दी जाती, क्या सुविधा मिलती है आप लोगों को? अस्त व्यस्त हो गया था, कोई सुविधा यहाँ पर नहीं जो है व्यवस्था हो पाई थी। और बाढ़ के कारण कटान यहाँ बहुत तेजी से जो है फैल रही थी। लगभग 1100 से 1200 बीघा जो है जमीन और फसल बाढ़ में चली गई और कटान बंद नहीं हो रही है। इसकी शिकायत कई बार जिलाधिकारी महोदय को भी कराया गया, माननीय मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी को भी कराया गया और यहाँ के जो SDM सदर थे उनको भी कराया गया, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई है। क्या कहते हैं हम ये कहते हैं अधिकारी यही कहते हैं, आश्वासन देते हैं ठीक है हो जाएगा। माननीय मंत्री जी ने भी कहा था DM साहब को फ़ोन करके कि नहीं इसको देखिए जो है, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने सिंचाई विभाग को भेजा था जो है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 साल से ही प्रॉब्लम है यहाँ। क्या कहेंगे नहीं इसको, यही अब कहना क्या है, जैसे सरकार को सुन नहीं रही है। हम लोग मारे फिरे किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं, धीरे धीरे सब कटान लगभग 15-20 घर कट गया, बह गया, वो लोग जो है बेघर हो गए, किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं किसी घर द्वार पर। काफ़ी समस्याएं यहाँ के जो निवासी हैं, मांझा मदरैया के, रामपुर पुआरी के, मांझा के रहने वाले लोग हैं, काफ़ी समस्या है लोगों को। आइए कुछ हमारे साथ बुजुर्ग हैं, उनसे आइए बात करें। बाबा क्या नाम है आपका? हमारा नाम अयोध्या प्रसाद, हम ग्राम सभा मरना माझा के रहने वाले हैं। क्या समस्या है बाबा? रामपुर पुआरी और मरना ये दोनों लगातार में है गांव। क्या दिक्कत है? कटान की दिक्कत है सर, और कुछ नहीं। जब पानी तो जितना होता है उतना होता है। ये हमारा 65 साल की उम्र है और 65 साल में इतनी बड़ी बाढ़ नहीं देखे थे अब की जितना पानी आ गया। लेकिन ये कटान पानी तो बहुत देखा गया, उसी में हम लोग का गुजारा हो रहा था, लेकिन अब गुजारा होने वाला नहीं। जब आवास विकास हमारा घर द्वार कट रहा है, बाल बच्चे भूखे मरने लगेंगे तो ये किसके नगर में? का आपका कट के बह गया? हमारा गन्ना बह गया, हमारा धान बह गया, 12 बीघा तो हमारा खाली खाला गन्ना बह गया। सामने कटान लगी हुई अभी इस वक्त आकर के कोई अधिकारी नहीं आते हैं कि इसको देख लें। गन्ना जा रहा है उसमें लोग, आज यही कब बात है कि 2 लड़के गिर गए, उनको पकड़ करके निकाला गया वही गन्ना काटने के समय में। यही समस्या है और सरकार की कोई सुनवाई नहीं, जो आता हुई यही कह देता है कि ठीक है ये हो जाएगा, बस इतने में। और कोई प्रलब नहीं है कि वो आकर के देख लें कि अभी भी कटान चल रही, जो बाढ़ चली गई, लेकिन मौके पे आकर के देख लें। समस्या यही है, इतने भी गुजारा कर दें कि जो अभी बचा हुआ है दोनों ग्राम सभा में थोड़ा 100-200 घर वही बचा लें, तो इसको या तो बंधा बनवा दें या तो नदी का कोई खुदैया करवा दें कि पानी अपना सीधा जाए, तब थोड़ा बहुत तो बच जाए, उसी में गुजारा हो जाएगा। या तो कोई सेवा साधन दिला दें कि कहीं पर गुजारा आवास विकास बनवा दें, बस इतने का। तो बिल्कुल यहाँ के लोगों का कहना है कि सरकार जो है मतलब कई बार अवगत कराया गया, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आते हैं लेकिन वो देख करके चले जाते हैं। अभी तक इनकी समस्या जो कटान की जो बनी हुई, कटान की समस्या का कोई समाधान नहीं, और इनकी मांग केवल इतनी सी है कि कटान को किसी न किसी तरीके से रोका जाए ताकि इनका जो जीवन यापन करने वाला जो आवास है वो आवास और उनकी जो खेती किसानी है वो बच सके। आजम खान, न्यूज़ टाइम नेशन, अयोध्या। घंटे में बराबर ऐसे जाने वाला सर, ये करार अभी फटने वाला, अभी गिरने वाला है। दिखाओ ये अभी गिरने वाला है सर, क्या जब अभी गिर जाएगा ये, यहाँ से लेकर के सर देख लीजिए वहाँ तक ये पूरा करार है, करार फटा है, वहाँ से हट जाओ है, गिर जाएगा अभी तुरंत, वहाँ करार गिरने वाला, हटो हट जाओ भैया, वहाँ से करार गिरे वाला, हटो हटो। देखिए सर यही हम लोग का इस
नदी से परेशान है। रात में हम लोग के नींद नहीं लगती, जब नदी का नाम सुनते हैं तो हम लोग ऐसे थर्राते हैं कि आज कट जाएगा, कल कट जाएगा, अभी कट जाएगा। हम लोग का काम नहीं किया जाएगा, सरकार हम लोग का कोई व्यवस्था करे। रात में हमारे बच्चे सोते हैं तो हम लोग यही सोते हैं कि आज आज कट जाएगा, कल कट जाएगा। हम लोग अभी एकदम परेशान है, नदी बहुत लोग जागते ही रहते हैं। भैंस गोरू बहुत लोग का बह गए हैं, घर कट के बह गया है। गेहूँ हम लोग का रखा हुआ सब बह गया है। सर हम लोग का यहाँ तुरंत कटान लगवाने का व्यवस्था किया जा रहा है। हम लोग का कट गया है, गन्ना भी कटा रहे हैं। बाल बच्चे कैसे सिल रहे हैं, हम लोग बाल बच्चे भी हम लोग का अगर बह जाएंगे तो हम लोग बताएंगे। हम लोग का यही व्यवस्था करे तो भी हम लोग का समस्या समाधान है। कहाँ से रहे मनाइए, ठंडी में मरे, कड़ा बिछौना है, तापत नहीं है, काम करे घर न दुआ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम निश और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।